फिल्म की शुरुआत एक प्रलयकारी दुनिया में होती है जो अज्ञात कारण से तबाह हो गई है कभी फल फूल रही मानवता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उनके बीच हमारी नायिका जूलियट है जो एक उजाड़ शहर से गुजर रही है वह तीस सदस्यीय समूह का हिस्सा है कबीला जिसने किसी तरह कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में कामयाबी हासिल की है वर्तमान में जूलियट किसी भी की तलाश के मिशन पर है एडेबल रिसोर्सेस अंदर उसकी वैन में हम एक गन और उसके खुद की जैक के साथ एक तस्वीर देखते हैं ऐसा लगता है कि वह सर्वाइकल नहीं कर पाया कुछ समय बाद जूलियट एक परित्यक्त पेट्रोल पंप में प्रवेश करती है उम्मीद करती है कि उसे कुछ उपयोगी मिलेगा उपयोगी वह सावधानी से अंदर कदम रखती है जो भी आगे होता है उसे शूट करने के लिए तैयार जब जूलियट कुछ नहीं पाती अब वह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है लेकिन तभी उसकी नींद ऊपर से आ रही गर्जने की आवाज से टूट जाती है शोर से जूलियट डर जाती है इसलिए वह तुरंत अपनी वैन की ओर भागती है और चली जाती है यह स्पष्ट है कि कुछ खतरनाक है खतरनाक और डरावना इस प्रलय के बंजर भूमि में रह रहा है अगले दृश्य में जूलियट अपनी कबीले के नेता हिड्स के साथ संवाद करती है हैरी वह पूछता है कि क्या उसे कुछ उपयोगी मिला जिस पर वह नकारात्मक उत्तर देती है फिर वह उससे कहता है की वह खतरे से बाहर रहे और जितनी जल्दी हो सके उनके छिपने के स्थान पर वापस आ जाए जूलियट सहमत हो जाती है और जब वह कॉल समाप्त करती है तो वह शॉर्टकट लेती है क्यूँकी उसके वैन की बैटरियाँ कम हो रही है अपने रास्ते में उसे एक आरवी मिलती है जहाँ उसे एक घातक रूप से घायल आदमी मिलता है अपनी आखिरी सांसों के साथ वह उससे अपनी पीड़ा को समाप्त करने की विनती करता है दुर्दशा हालांकि जूलियट उसके अनुरोध को खारिज कर देती है ये कहते हुए की वह उस पर अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहती फिर वह पूछती है की क्या आरवी के अंदर कोई खाना है जिस पर आदमी हाँ कहता है लेकिन वह उसे यह भी चेतावनी देता है की प्राणी जिसे के रूप में भी जाना जाता है क्रीपर अंदर बंद है इसे सुनकर जूलियट थोड़ी देर के लिए विचार करती है वह थोड़ी देर सोचती है और अंततः अंदर जाने का फैसला करती है जैसे ही वह प्रवेश करती है कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और खिड़कियां टूट जाती हैं। जूलियट ने उस बर्बर -बर को मार डाला है क्रीपर लेकिन जब वह बाहर कदम रखती है तो बेचारा आदमी पहले ही मर चुका है इसके बाद जूलियट उसकी सारी आपूर्ति एकत्र करती है उन्हें अपनी वैन में लोड करती है और चली जाती है रास्ते में वह जल्दी में लगती है क्योंकि यह पता चलता है की रीपर्स केवल रात में बाहर आते हैं रात में वे दिन के उजाले से डरते हैं और दिन का ज्यादातर समय छाया में बिताते हैं इस बीच जब जूलियट गाड़ी चला रही होती है अचानक एक हवा का झोंका उसकी तस्वीर उड़ा कर ले जाता है ये उसे पल भर के लिए विचलित कर देता है जिससे उसकी वैन रास्ते से फिसलकर कई बार पलट जाती है प्रभाव से जूलेट बेहोश हो जाती है फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है कुछ साल पहले जब सर्वनाश हुआ था जूलियट को एक कला गैलरी में खड़ा देखा गया था उस जगह के मालिक जैक उसके पास जाता है और बातचीत करने की कोशिश करता है हालांकि जूलियट अनिच्छुक है वह बताती है कि वह यहाँ खाना खाने आई है और साथ ही बाहर बारिश हो रही है जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह उसे एक पेंटिंग दिखाता है और उसे करीब से देखने के लिए कहता है जूलियट अभद्रता से टिप्पणी करती है की यह बदसूरत है लेकिन जैक उसे इसके अंदर देखने के लिए कहता है ये दोनों बातचीत जारी रखते हैं वे अधिक सहज हो जाते हैं एक दूसरे को प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद जैक अचानक जूलियट ऐसी पूछता है की क्या वह उसके स्थान को देखना चाहेगी जूलियट बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो जाती है और दोनों आगे बढ़ते हैं वहाँ पहुँचने आरोप जूलियट उसके अपार्टमेंट को देख चौंक जाती है जो शानदार लगता है फिर जैक उसे कुछ वाइन और चीज ऑफर करता है और दोनों आगे की बातचीत में लग जाते हैं हालांकि जब जैक उसके निजी जीवन के बारे में पूछना शुरू करता है वह उसके इरादों से संदिग्ध हो जाती है और अचानक चली जाती है अगले रात दोनों फिर से मिलते हैं इस बार जैक उसे एक बार में देखता है जहां वह एक अन्य आदमी के साथ होती है आश्चर्यजनक रूप से वह उसे कुछ नशीला पदार्थ देती है उत्पाद ये प्रकट करते हुए की वह एक डीलर है बाद में एक बेहद जिज्ञासु जैक उसका पीछा करता है और उसके अपार्टमेंट में जाकर पता चलता है की उसकी स्थिति वास्तव में बहुत खराब है वह अन्य नशीले पदार्थों के डीलरों के बीच रह रही है बहुत ही गंभीर परिस्थितियाँ जब जूलियट आखिरकार जैक को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और उसे डांटना शुरू कर देती है जैक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और यहाँ तक उसकी मदद करने का प्रस्ताव भी रखता है लेकिन वह मना कर देती है अंत में जब जूलियट उसकी नसों में एक पदार्थ इंजेक्ट करती है तो जैक को एहसास होता है कि वह भी एक नशेड़ी है इसलिए वह स्थान छोड़ देता है निराश होकर कई हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन एक चोटिल जूलियट अचानक उसके अपार्टमेंट में दिखाई देती है जैक यह भी नहीं पूछता कि क्या हुआ और वह उसके घावों की देखभाल करने लगता है घाव फिर वह उसे साफ करता है और चला जाता है उसके कमरे में आराम करने के लिए अगली सुबह जूलियट बेहतर महसूस करती है और जैक के साथ नाश्ते के लिए शामिल होती है एक बार जब वे खा लेते हैं तो जूलियट अनुरोध करती है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दिया जाए ये दावा करते हुए कि उसे कुछ जरूरत है ताज़ा हवा हालांकि जैक जानता है की वह बेताबी से उस पदार्थ को इंजेक्ट करना चाहती है एक बार फिर उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए और इसके परिणाम स्वरूप जूलियट बहुत गुस्से में आ गई उसने विभिन्न वस्तुओं को तोड़ना शुरू कर दिया अपने कमरे में उससे मांग कर रहा था की वह उसे रिहा कर दे हालांकि जैक बस उसे रिहा कर देता है उसका गुस्सा जब वह शांत हो जाती है तो वह उसे पकड़े रखता है कसकर पकड़ता है और अंततः उसे चूम लेता है यह उनके दुखद और हृदय विदारक रिश्ते की शुरुआत के रूप में काम करता है रिश्ता कई हफ्तों बाद जैक शहर के बाहरी इलाके में एक नया घर खरीदता है जिसे वह अपने लिए एकदम सही महसूस करता है जूलियट जैसे ही वे एक साथ रहने लगते हैं वह थोड़ी नर्वस महसूस करती है क्योंकि यह उसके जीवन में एक बड़ा कदम है इसके जवाब में जैक प्यार से उसका चेहरा छूता है और कहता है कि वह वह हमेशा उसके लिए रहेगा बाद में वह उसे जगह दिखाता है और समझाता है कि यही वह जगह है जहाँ उनके बच्चे बड़े होंगे जूलियट हमेशा की तरह संदिग्ध है और उसे यकीन नहीं है कि वह माँ बनने के लिए तैयार है या नहीं हालांकि जैक उसे बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे साथ हैं। वे निश्चित रूप से इसे बनाएंगे काम उसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद जूलियट गर्भवती हो जाती है वह उसे यह खबर बताती है जिससे वह उत्साहित हो जाता है दुर्भाग्य से चीजें जल्दी ही भयानक मोड़ ले लेती हैं जूलियट के पिछले नशे के सेवन के कारण बच्चा मृत पैदा होता है जिससे जोड़े के रिश्ते पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जूलियट फिर से नशे की ओर चली जाती है जैक जो वह आदर्श व्यक्ति है हमेशा उसके साथ रहता है और उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है हालांकि एक रात जैक जूलियट के हर दिन अपने नशेड़ी दोस्तों से मिलने के लिए भागने से तंग आ चुका है गुस्से में वह उससे ब्रेकअप कर लेता है कार छोड़ देता है और मेट्रो का उपयोग करने का फैसला करता है इसके बजाय कुछ घंटों बाद जब जूलियट एक बार में ड्रिंक कर रही होती है तो एक समाचार चैनल रिपोर्ट करता है कि मेट्रो में एक घातक रासायनिक हमला हुआ है जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है लोग इससे जूलियट डर जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जैक उसी मेट्रो में था इसीलिए वह तुरंत उसे देखने के लिए दौड़ती है दृश्य में जूलियट अस्पताल पहुंचती है जहां जैक को आईसीयू में भर्ती किया गया है रासायनिक हमले के कारण उसका गला और श्वास नली जल गए हैं जिससे वह बोल नहीं सकता बोलो जूलियट उसके कमरे के पास जाती है जो एक मोटी प्लास्टिक की परत से अलग है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है जवाब में जैक एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर का उपयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त दी इस गंभीर स्थिति में भी वह कहता है की वह उससे प्यार करता है और उसे कभी हार न मानने को कहता है इससे जूलियट को उसकी बचने की उम्मीद होती है हालांकि अगली सुबह जब वह उसके कमरे में प्रवेश करती है तो उसे पता चलता है कि जैक की चोटों के कारण मृत्यु हो गई है जिससे वह पूरी तरह से तबाह हो जाती है फिर फिल्म वर्तमान में वापस आ जाती है जहाँ जूलियट अंततः होश में आती है उसे अपनी टांग में तेज दर्द महसूस होता है पैर जैसा कि एक हड्डी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है स्थिति और खराब करने के लिए उसकी बंदूक उससे कुछ ही फीट दूर है क्योंकि पहले से ही रात हो चुकी है जूलियट को डर है कि उसे खा लिया जाएगा रीपर्स द्वारा जीवित इसीलिए वह खुद ही समस्या को सुलझाने का निर्णय लेती है बहुत प्रयास के बाद जूलियट किसी तरह सीट के नीचे ऐसी अपना पैर मुक्त करने में कामयाब हो जाती है न स्टियरिंग व्हील फिर वो अपनी फ्रैक्चर की हड्डी को वापस जगह आरोप धकेलती है खाव को अल्कोहल ऐसी धोती है और खुद के लिए एक टॉर्निकट बनाती है दर्द बहुत दर्दनाक होता है लेकिन यह उसकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है इसके बाद जूलियट अपना रेडियो उठाती है और हैरी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होता है सप्ताह अचानक वह अपने रास्ते पर कदमों की आवाज़ सुनती है इसलिए वह जल्दी से अपनी बंदूक उठा लेती है और वैन के अंदर छिप जाती है फिर हमें अंततः इस रीपर की एक झलक मिलती है टांगे विकृत मानव जैसी दिखती है वैन के नीचे से जूलियट घबराई हुई देखती है उम्मीद करती है की वह अपना बदला ले सके उसे नहीं देख पाएंगे लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय हैरी उसे फोन करता है जिससे उसका रेडियो बीप डर के मारे वह प्राणी को विचलित करने के लिए रेडियो फेंक देती है जूलियट को यकीन है कि उसे ढूंढ लिया जाएगा लेकिन उसकी अच्छी किस्मत है कि रीपर को दूर से कुछ सुनाई देता है और वह चलता है कुछ घंटे बीत जाते हैं जूलियट ये जांचने के लिए कुछ ग्लोस्टिक्स बाहर फेंकती है जब उसे कोई नहीं दिखता वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है अभी भी अपने परिवेश से अनजान है तभी जूलियट को एक आवाज सुनाई देती है और जब वह मुड़ती है तो वह वह घातक रीपर को देखती है वैन के ऊपर दिखाई देता है डरी हुई वह तुरंत इसे गोली मारती है और फिर वैन के अंदर अपने ठिकाने पर लौट जाती है पिस्तौल उस दिशा में इंगित करते हुए हालांकि रीपर पीछे से आता है और खिड़की के पर्दे को खींचता है जिससे जूलियट पूरी तरह से चौंक जाती है उसका चेहरा पूरी तरह से मांस पिघल जाने की तरह विकृत जूलियट संघर्ष करती है मुक्त होने के लिए और जब कुछ भी काम नहीं करता तो वह कार शुरू करती है और एक्सेलरेटर दबाती है गनीमत है पहिए चलने लगते हैं और इससे राक्षस को चोट लगती है जिससे वह कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है करीबी बचाव के बाद जूलियट आखिरकार अपना रेडियो ठीक करती है और हैरी से संपर्क करती है वह घबराई हुई बताती है कि उसे रात के बीच में एक रीपर द्वारा हमला किया जा रहा है हैरी मदद के लिए आने का वादा करता है लेकिन इसके लिए उसे उसका सटीक स्थान चाहिए इसलिए वह उसे बीकन चालू करने के लिए कहता है वैन के अंदर स्थित है जूलियट निर्देशित अनुसार करती है और अंततः डिवाइस को काम करने के लिए प्राप्त करती है लेकिन जब वह चारों ओर देखती है तो वह देखती है की रीपर वापस आ गया है यह उस पर घातक हमला करता है लेकिन समय रहते जूलियट हेडलाइट चालू कर देती है जिससे रीपर न स्पीडा में भागना इसके बाद उसे फिर से हैरी का फोन आता है 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 जो बताता है कि उसने उसका स्थान ट्रैक कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य से वह तब तक नहीं पहुंच सकेगा जब तक सुबह क्योंकि अभी बहुत खतरनाक है यह सुनकर जूलियट निराश हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अब अकेली है थोड़ी देर बाद उसे एक वाहन पास से गुजरता सुनाई देता है इसलिए वह मदद के लिए बेताहाशा हॉर्न बजाती है एक आदमी इसे सुनता है और उसके वैन के पास आता है दुर्भाग्य से वह मर चुका है वह एक नरभक्षी निकलता है वह जबरदस्ती वैन में घुसता है और जूलियट को चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी रीपर आ जाता है ये डरावने तरीके से आदमी को बाहर खींचता है और उसे मार देता है जैसे ही रीपर नरभक्षी पर दावत करता है जूलियट अकल्पनीय करने की सोचती है और जीवित रहने के लिए वह अंतिम कोशिश में वापस लड़ने का फैसला करती है जूलियट दो ईंधन के कनस्तर निकालती है वह फिर एक फ्लेयर जलाती है और उसे घुमाकर रीपर को आकर्षित करने की कोशिश करती है जब यह अंततः आता है तो वह इसे गैस कंटेनरों की ओर ले जाती है फिर जूलियट उन्हें रणनीतिक रूप से गोली मारती है जिससे वे विस्फोट हो जाते हैं लेकिन उसके लिए निराशा से चालाक रीपर बिना पकड़े भागने में सफल हो जाता है चोट पहुंचाई इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है रीपर जूलियट को खींचता रहता है इसका फायदा उठाते हुए वह इसे दो बार करीब से गोली मारती है जिससे ये खत्म हो जाता है लेकिन जब आखिरकार सूरज उगता है तो रीपर प्रकट होता है जूलियट फिर से गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। जैसे ही वह जल्दी से अपनी बंदूक को फिर से लोड करती है। है रीपर चढ़ता है ये धीरे से उसके चेहरे को छूता है जूलियट को अंततः एहसास होता है कि राक्षस और कोई नहीं बल्कि उसके जीवन का प्यार है जैक इस दौरान वो केवल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ एक राक्षस होने के बावजूद अब उसे अभी भी जूलियट के प्रति वही भावनाएं हैं जो पहले थी भावनाओं से अभिभूत जूलियट फ्लैश में चली जाती है और वह समय याद करती है जब जैक ने उससे चित्रकला को देखने के लिए कहा था उसने उससे कहा था की आंतरिक सुंदरता को देखे क्यूँकी सब कुछ कृत्रिम है वर्तमान में जू में जैक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है फिर एक दुखद अंत में वो दोनों पर अपनी बंदूक तान देती है सब कुछ समाप्त कर देती है ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद